नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम आज थर्ड ग्रेड की परीक्षा रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे जो कि जनवरी माह में प्रस्तावित है, जनवरी माह 2023 में प्रस्तावित है। तो हम रीट की पात्रता परीक्षा तो संपन्न हो चुकी है, इसमें अगर आपने 90 से स्कोर मतलब जनरल कैटेगरी के 90 स्कोर तथा दूसरों के लिए 82.5 का स्कोर यानी 83 नंबर के लगभग का स्कोर हो रहा है तो उसको थर्ड ग्रेड के लिए वो पात्र हो जाएगा। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन देखते हैं उसके बाद में क्या रहता है, नॉर्मलाइजेशन अभी होना बाकी है, होगा या नहीं होगा ये तो अभी बोर्ड पर है, अभी कुछ विशेष नोटिफिकेशन मतलब नहीं आया कि होगा या नहीं होगा। थर्ड अगर पात्रता परीक्षा आपके पास हो चुकी है या 100 को प्लस नंबर आ रहे हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं। तो तीन ऑप्शन कौन सा, एक फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन बचता है, तो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है, सितंबर में है। सेकंड ग्रेड की परीक्षा की बात करें तो दिसंबर में प्रस्तावित है, और थर्ड ग्रेड की परीक्षा जनवरी 23 में प्रस्तावित। अगर जो बंदा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तैयारी करने वाले को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को यथावत ही रखना चाहिए, उसको स्पेशली थर्ड ग्रेड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर सेम है, दोनों का फर्स्ट पेपर क्या है, सेम है। और इसी का फर्स्ट पेपर ही में से 90% पोर्शन थर्ड ग्रेड के एक फर्स्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में है, तो उसको अगर ये पार्ट फर्स्ट पेपर का अच्छा पार्ट अच्छा होगा तो उसको थर्ड ग्रेड के लिए बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अच्छा स्कोर करने में। और जनवरी में ये थर्ड ग्रेड प्रस्तावित है तो दिसंबर के बाद में सितंबर के बाद में फर्स्ट ग्रेड वाला उसको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, 2-3 माह का दिसंबर, और सेकंड ग्रेड वालों को दिसंबर के बाद में भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा, मतलब 30-40 दिन का टाइम मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें, अगर जिनको सिर्फ थर्ड ग्रेड की ही करनी है तो थर्ड ग्रेड की करने वालों के लिए अगर बात करें, कोचिंग की बात आती है तो कोचिंग करें या नहीं करें, कौन सी कोचिंग करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। तो अगर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो इसके अपना अलग ही महत्व है इसका, ऑफलाइन का तो इसमें अलग ही महत्व है इसका, तो इस मतलब टीचर से सीधा संवाद हो पाता है, जो जो टॉपिक हम घर पे मतलब नहीं पढ़ पाते उसको टीचर 3-4 घंटे में पढ़ाता है तो उसका अलग ही रिवाइज होता है, कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसका अलग ही महत्व होता है। और ऑनलाइन की बात करें तो इसके जितना पॉजिटिविटी है, प्लस पॉइंट है, उतना ही इसका नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट यह है कि ये कम समय में पढ़ सकते हैं, घर पर बैठे या रूम में या लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसका मतलब ज़्यादा मोबाइल यूज हो जाता है, इस तरह इसका नेगेटिव पॉइंट भी रहेगा। और ऑनलाइन में इतना कम कम्युनिकेशन नहीं बन पाता जितना ऑफलाइन में बनता है, तो ये जो अपनी इच्छा होती है उसी के अनुसार करना है कोचिंग। अब अगर बात आती है कौन सी कोचिंग करें, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, अगर बेस्ट कोचिंग की बात करें तो बेस्ट कोचिंग वही कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग करो उसके लिए अपने समर्पित होना जरूरी है, उस कोचिंग में विश्वास होना जरूरी है। अगर उस कोचिंग के प्रति अपना विश्वास नहीं होगा तो उसके अपने क्यों कुछ भी कितना भी अच्छा पढ़ा ले उसमें अपन अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए विश्वास और समर्पित होना जरूरी है। और रीट के लिए अगर स्पेशली बात करें तो टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीट की अगर तैयारी कर रहा है तो उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, अभी से भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसको टेस्ट करेंगे तो उसको प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस उसका पढ़ा हुआ है तो उसको टेस्ट जरूरी है। तो कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, उसमें लगातार टेस्ट देते रहें। अब अगर हम थर्ड ग्रेड के सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस अभी तक विस्तृत सिलेबस तो जारी नहीं किया बोर्ड ने, थर्ड ग्रेड के एग्जाम करवाएगा कौन, RSMSSB बोर्ड करवाएगा, RSMSSB बोर्ड है जो जयपुर में है, ये अधीनस्थ बोर्ड है, जो ऐसी को न्यू भी कह सकते हैं, इसको अधीनस्थ बोर्ड भी कहते हैं, तो अधीनस्थ बोर्ड इसका पेपर करवाएगा, अधीनस्थ बोर्ड ने थर्ड ग्रेड का तो ये पेपर करवाएगा, मेन्स पेपर है या थर्ड ग्रेड का पेपर कह सकते हैं। इसमें वो सेम ही प्रोसेस है, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा और 300 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर नंबर एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया, रीट में एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही था लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का कर दिया। अब अगर हम लेवल सेकंड के सिलेबस की बात करें तो लेवल सेकंड के सिलेबस में 6 पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। कौन कौन सा, लेवल सेकंड का फर्स्ट पार्ट है तो इसमें राजस्थानी भाषा तथा राजस्थानी जीके दोनों शामिल कर रखे हैं। इसका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें मतलब 100 अंक आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंक होंगे इसके, 100 अंक होंगे इसमें। राजस्थान जीके का लगभग इतिहास, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आ जाता है। दूसरा पार्ट आता है ये सेकंड पार्ट, तो इसमें आता है RT आता है, शिक्षक अधिकार नियम आ गया, स्कूल मैनेजमेंट आ गया, करंट अफेयर राजस्थान का आ गया, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें अगर राजस्थान जैसे इकोनॉमिक्स आ गए वगैरह कुछ करंट में बच जाते हैं टॉपिक उनका आएगा, तो इसमें 25 प्रश्न आएंगे और ये कितने होगा, 50 अंक का होगा। इसी तरह अगला आगे सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट अगर कोई सोशल साइंस कर रहा है तो उसको सोशल साइंस का 60 नंबर का 60 क्वेश्चन आएंगे, और अगर साइंस से है कोई तो इसमें साइंस आएगी कितने की, साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ्स के कितने आएंगे, मैथ्स के भी कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आ जाएंगे मैथ्स के, तो टोटल कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, और ये 120 नंबर का पोर्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और अगर इस पोर्शन को तैयार करने के लिए सबसे अच्छी गाइड वगैरह की बात करें तो NCERT की बुक्स है, इससे आगे मतलब इससे अच्छी कोई गाइड नहीं है इसके सब्जेक्ट पोर्शन के लिए। और इसमें बाद में शिक्षण विधि का भी पोर्शन आएगा, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 अंक का होगा,
शिक्षण विधि का पोर्शन आएगा, और साइकोलॉजी का आएगा 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी 20 अंक होंगे साइकोलॉजी में। और एक अगला पोर्शन आएगा सूचना तकनीकी, ये आईटी का नया पोर्शन जोड़ दिया गया, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 10 अंक का होगा। इस तरह टोटली 150 क्वेश्चन आ जाएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबरों के होंगे, 300 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे। और रीट के अंदर अगर बात करें तो रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग क्या थी नहीं थी, लेकिन इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका विशेष ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है इसमें। इसी क्रम में अगर आप लेवल फर्स्ट का सिलेबस की बात करें, लेवल फर्स्ट का सिलेबस, तो लेवल फर्स्ट में पहला पोर्शन आ गया राजस्थानी, ये सेम ही पहला पोर्शन है, इसमें राजस्थानी तथा राजस्थान जीके का पोर्शन आ गया, राजस्थानी भाषा के 10 क्वेश्चन आने, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन यानी 10 अंक के होंगे, इसमें कुल ये पोर्शन आ गया 50 अंक होगा। और दूसरा पोर्शन आएगा इसमें आरटी आएगा, इसमें आरटी में कौन कौन से, स्कूल मैनेजमेंट आएगा, करंट अफेयर आएगा, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके 42 क्वेश्चन आएंगे, ये मतलब 80 अंक का होगा, 80 अंक का पोर्शन होगा। और फर्स्ट पोर्शन है ये कितने का होगा, 100 अंक का पोर्शन होगा फर्स्ट पोर्शन। और थर्ड पोर्शन की बात करें, इसमें विद्यालय विषय आएंगे, मतलब सब्जेक्ट आएंगे, इसके सब्जेक्ट में आएंगे, सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 अंक का सब्जेक्ट आएगा थर्ड ग्रेड का, 50 अंक। इसमें कौन कौन सा आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान आएगा, और सोशल साइंस सामान्य ज्ञान का आएगा। इसमें कुल प्रत्येक के 10-10 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो 10-10 यानी 5-5 प्रश्न आएंगे, तो ये टोटली 50 अंक हो जाएंगे, इसके 50 अंक के प्रश्न आएंगे। और इसी तरह इन सबकी 500 की शिक्षण विधि आएंगी, उसमें 8-8 प्रश्न अंक दे रखे हैं, तो 8-8 के, तो उसमें 40 अंक हो जाएंगे, तो 8-8 अंक के दे रखा है, तो 8-8 अंक के आएंगे, तो 500 के, तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो 500 के 8 अंक मिला के कुल 40 अंक का पोर्शन आएगा, यानी इसमें प्रत्येक 4-4 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण विधि के 4-4 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 500 पोर्शन के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस और सोशल साइंस के, तो इसके कुल 40 अंक हो जाएंगे। इसी क्रम में अगला पोर्शन सेकंड लेवल के सेम ही है, वो शिक्षा मनोविज्ञान का है, इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, और आईटी का है, इसमें 5 क्वेश्चन, टोटली 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये सेम, ये भी कितने का होगा, 300 नंबर का होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, और 150 ये क्या क्वेश्चन आ गए। अब अगर हम बात करें सिलेबस हमने देख लिया, आप कौन सी बुक पढ़ें या कौन सी कोचिंग करें, कोचिंग मैंने ऊपर बता दिया, लेकिन अगर बुक्स की बात करें, तो अगर बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी या आरबीएसई, एनसीईआरटी या आरबीएसई की बुक्स अपने पास होनी चाहिए, और ये सबसे अच्छा माध्यम है, अच्छा स्कोर करने का अच्छा माध्यम है। इसमें D2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके साथ में एक और कोई आदर्श गाइड होनी चाहिए, इसके साथ में एक और कोई गाइड ले लेते हैं, कोई भी मतलब प्रकाशन की गाइड लो, अच्छी प्रकाशन होनी चाहिए, जो चर्चित प्रकाशन होता है उसमें होना चाहिए, उसमें ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक यही पोर्शन रहेगा कि टेस्ट सीरीज बड़ी महत्व है, इसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन होनी जरूरी है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। इस तरह हमने थर्ड ग्रेड की परीक्षा रणनीति के बारे में 2023 को जो जनवरी में संपन्न हुई उसकी परीक्षा रणनीति की चर्चा की। तो उम्मीद है आपको थर्ड ग्रेड का सिलेबस विस्तृत रूप से समझ आएगा, परीक्षा में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ये भी समझेगा। और अगर बात करें एनसीईआरटी की, अगर बुक्स की बात करें, तो एनसीईआरटी की बुक्स हमारे चैनल पर भी एनसीईआरटी के नोट्स के रूप में, नोट्स टाइम समय समय पर मिलते रहेंगे नोट्स, और करंट का टॉपिक भी मिलता रहेगा, करंट के टॉपिक भी और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो चैनल पर मिलते रहेंगे। और इनकी पीडीएफ की बात करें, अगर पीडीएफ, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल भी है जीके बीएल सारण, ये भी टेलीग्राम चैनल है, तो इसी पे अपडेट, ये पीडीएफ मिलती रहेगी, इस पे पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, तो इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।